हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, एग्जाम सर पे आ चुके हैं। चलिए, तो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 टर्पिनॉइड्स, और इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है। लास्ट लेक्चर हम समझ चुके थे उनका ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि अल्कलॉइड को समझा था, अल्कलॉइड एक नाम है। क्या है नाम? एक खास केमिकल्स के ग्रुप को नाम दे दिया गया। वैसे टर्पिनॉइड भी एक नाम है। क्या है टर्पिनॉइड? जैसे अल्कलॉइड में हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जब नाइट्रोजन हुआ करता था, तो ऐसे कंपाउंड को हमने अल्कलॉइड बोल दिया था। याद है कि नहीं है? ओके, तो टर्पिनॉइड भी नाम है। किसका नाम है, किस तरह के केमिकल को टर्पिनॉइड बोला गया है, तो और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है टर्पिनॉइड ऑल्सो नोन एज आइसोप्रिनॉइड। ठीक है, नाम है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्यों आइसो कहा गया, क्यों प्रिनॉइड। अब ये जड़ पे जाने की जरूरत नहीं, नाम है, इनको फिलहाल नाम की तरह याद करेंगे। आर अ लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल। लार्ज, बहुत बड़ा और फैली हुई फैमिली है, और नेचुरली है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाएगा। डेराइव्ड फ्रॉम द 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन। ये रहा आइसोप्रीन, ये क्या है आइसोप्रीन? 1, 2, 3, 4, 5, कितने कार्बन है? 5। इस आइसोप्रीन से डेराइव होते हैं, एंड द आइसोप्रीन पॉलीमर आल्सो कॉल्ड टर्पीन्स। है ना, तो टर्पिनॉइड्स और टर्पीन, कई बार ये नाम एक साथ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं एक ही चीज के लिए बार बार, कभी टर्पिनॉइड कभी टर्पीन। थोड़ा सा अंतर होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आई कि जो कंपाउंड हमारे आइसोप्रीन से बने हुए होंगे उनको हम लोगों ने क्या बोला? आइसोप्रिनॉइड बोला। ठीक है ना, आइसोप्रीन के जो पॉलीमर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्पीन्स बोलते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकली साइंटिफिकली बात को समझा जाए तो क्या है वो बात। टेक्निकली आर टर्पिनॉइड कंटेन ऑक्सीजन। जो टर्पिनॉइड हो जाएगा ना, उसके अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन, जैसे कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो सकता है तो ऑक्सीजन आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा, पता है ना अल्कोहल ग्रुप, मान लो उस वहां OH मौजूद है या CHO मौजूद है या कीटो ग्रुप मौजूद है ना। जब एक ऑक्सीजन ग्रुप आगे जुड़ जाता है तो उसे टर्पिनॉइड बोल दिया जाता है। अगर ये ऑक्सीजन ग्रुप मौजूद नहीं है तो टर्पीन बोल दिया जाता है। इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, टेक्निकली अ टर्पिनॉइड कंटेन ऑक्सीजन व्हाइल अ टर्पीन इज अ हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन। कोई ऑक्सीजन नहीं होगा उसके अंदर, किसी भी टाइप का कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑफन द टू टर्म्स आर यूज रेफर कलेक्टिवली टू बोथ ग्रुप। ये दो टर्म ऐसा कह सकते हैं हम इंटरचेंजिबली इस्तेमाल कर लेते हैं, या दोनों टर्म इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बट बेसिक डिफरेंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, टर्पिनॉइड और टर्पीन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ओ आइटम का। टर्पिनॉइड्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स तो पता है ना क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का लार्जेस्ट क्लास है, लगभग 60% टोटल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टर्पिनॉइड्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स टर्पिनॉइड्स आर यूज्ड फॉर देयर एरोमेटिक क्वालिटी। क्या काम है इनका प्लांट्स में, क्यों है ये एरोमेटिक? प्लांट्स के अंदर कोई खुशबू आ रही है टर्पिनॉइड की वजह से आ रही है। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है किसी और वजह से भी आ रही हो, ज्यादातर इसकी वजह से आती है। प्ले अ रोल इन ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज, कई सारी बीमारियों में जो हर्बल रेमेडीज में इस्तेमाल होता है। टर्पिनॉइड्स कंट्रीब्यूट टू द सेंट ऑफ यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो सेंट, खुशबू आती है, उसके पीछे वजह कौन है? टर्पिनॉइड्स हैं। द फ्लेवर ऑफ सिन्नामन, सिन्नामन, क्लोव, लौंग है, जो जिंजर है, इनमें जो इनका फ्लेवर है, इसके पीछे कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल हैं? टर्पिनॉइड रिस्पॉन्सिबल है। टर्पिनॉइड्स की वजह से इनके अंदर ये खुशबू आती है, अदरक के अंदर या लौंग के अंदर। येलो कलर, सनफ्लावर का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है? इस केमिकल की वजह से, टर्पिनॉइड की वजह से। एंड द रेड कलर इन टमाटो, ये भी किसकी वजह से है? टर्पिनॉइड की वजह से है। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से ये केमिकल्स प्लांट्स के अंदर रोल प्ले करते हैं, कहां कहां पर, है ना। तो कलर, सेंट और फ्लेवर, हर जगह इनका रोल है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चों देखो, बहुत ही बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे भी देखा था कि क्या है। जैसे कई बार ना केवल ये नाम आया था सेस्क्यूटर्पिन, डाइटर्पिन, बच्चा सोचता क्या है ये। तो समझने के पर्पज से देखो क्या है यहां पर। क्लासिफिकेशन की ऐसी हेडिंग नहीं है अपने कोर्स में, बट समझो जरा जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, C5H8N, C5H8N। ठीक है ना, यानी कि जब N की वैल्यू 1 होगी तो C5H8 जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे फॉर्मूले वाले टर्पिनॉइड्स को
हेमीटर्पीन और आइसोप्रीन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से हमने इनकी नेमिंग कर दी है। अगर n की वैल्यू 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 × 8 = 16, ठीक है, 5 × 10, 2 × 8 = 16, क्या बोलेंगे इन्हें, मोनोटर्पीन बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पहले वाले 5, दूसरे वाले में 10, n की वैल्यू 3 होते ही c की वैल्यू 15 हो जाएगी, इसको हम सेस्क्यूटर्पीन बोलेंगे। n की वैल्यू 4 होते ही 4, 5 = 20, इसको हम डाइटर्पीन बोलेंगे। तो जैसे जैसे कार्बन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनके नाम में चेंज आता चला जाएगा, ठीक है ना, क्लासिफाई कर दिया गया। 25 होंगे तो सेस्टर्पीन, 30 होगा तो ट्राइटर्पीन, 40 होगा तो टेट्राटर्पीन, और मोर देन 40 होगा तो पॉलीटर्पीन, ठीक है ना। ये आई थिंक ठीक है, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया। तो अब से ध्यान रखना, कभी टर्पीन पीन 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 आ रहा है तो वो कुछ नहीं है, वो टर्पीनॉइड्स ही है, ये सब टर्पीनॉइड्स हैं। क्लियर? ये सब के सब क्या हैं? टर्पीनॉइड्स हैं। अब जिसमें कार्बन 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20, उसके हिसाब से हमने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ये सब के सब क्या है, टर्पीनॉइड्स है। क्लियर है? हम टर्पीनॉइड्स को एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मोनोसाइक्लिक, इसके अंदर एक ही साइकिल होगा, ठीक है। बायसाइक्लिक, दो बायसाइक्लिक में क्या होगा, दो साइकिल हो सकती हैं। ट्राई में 3 साइकिल होंगी और टेट्रा में 4 साइकिल होंगी, तो ऐसे को हम लोग मोनोसाइक्लिक टर्पीनॉइड, बायसाइक्लिक टर्पीनॉइड, ट्राईसाइक्लिक टर्पीनॉइड और टेट्रासाइक्लिक टर्पीनॉइड्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑकुरेंस, ठीक है ना। तो आओ देखें ये कहां कहां मौजूद है, कहां कहां पाए जाएंगे। इट इज ऑकर्स इन सर्टेन प्लांट फैमिली, कौन कौन सी प्लांट फैमिली है, पिनेसी, लॉरेसी, रूटेसी, मिर्टेसी, अम्बलीफेरेसी, लेविएटी एंड कंपोजिटे, इन सब प्लांट फैमिली में पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द प्लांट फैमिली इट ऑकर इन स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी स्ट्रक्चर, सिक्रेटरी मतलब जो किसी टाइप का केमिकल या किसी टाइप के लिक्विड को छोड़े, है ना। जैसे कि हमारे पास स्वीट ग्लैंड होते हैं ना, पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, वो पसीना निकालती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड, जो कोई चीज रिसाव करे, छोड़े, है ना। तो कुछ खास तरह के सेक्रेटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लैंड्स पाई जाएंगी हेयर्स में, या मॉडिफाइड पेरेन्काइमा सेल्स। अब पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल है जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ऑयल डक्ट, तेल की नलियां, जिनको हम विट्टे कहते हैं, वो पाई जा सकती है, और ये जो ऑयल डक्ट होती है ये टर्पीनॉइड को बाहर निकालेंगी। या फिर लाइसोजीनस और साइजोजीनस पैसेज, पैसेज मतलब एक रास्ता होता है, या हम कह सकते हैं एक तरह के छेद होते हैं, कैविटी होती है, खोखलापन होता है, उसके अंदर ये भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होगा, पिपरेसी में, ये एम्बलीफेरी में, ये पिनासी और रोटेसी में। क्लियर है? कई बार ऐसा भी हो सकता है जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वही डायरेक्ट बना दे टर्पीनॉइड को, या कई बार ऐसा होगा टूटने पर, किसको, रेसिजिनस लेयर जो होती है सेल के अंदर, उसके टूटने के, जो सेल वॉल की रेसिजिनस लेयर है वो टूटेगी और टर्पीनॉइड निकलेगा। या कई बार हाइड्रोलिसिस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोसाइड्स, कुछ ग्लाइकोसाइड्स टूटते हैं और उसकी वजह से टर्पीनॉइड्स क्या होता है, निकलते हैं। तो ऑकरेंस कहां कहां पर, किन किन फैमिली में पाया जाता है, और किस किस तरीके से ये कहां कहां से निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक प्लांट के अंदर ये हर एक जगह पाया जा सकता है ना, कैन बी फाउंड इन ऑल टिश्यूज। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लें, गुलाब के फूल में जो उसके पेटल्स होते हैं, है ना, पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, पेटल क्या होगी, पंखुड़ियां, पेटल क्या होगी, पंखुड़ियां, ठीक है। बार्क एंड लीफ, जो पेड़ की छाल होती है, पत्ते होते हैं, किसके, सिनामन। अम्बलीफेरस फ्रूट में पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होता है, जो फ्रूट के ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। मिंट के अंदर ग्लैंडुलर हेयर्स है, ऑरेंज के अंदर फ्लावर्स के पेटल्स है, फ्लावर्स के पेटल्स एंड रिंड, रिंड मतलब उसकी छाल, मतलब जो छिलका छील देते हैं ना हम लोग, वो है। तो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक प्लांट के अंदर ये हर एक जगह फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कहीं से भी हमको मिल सकता है, डिपेंड करेगा किसी प्लांट में पत्ते से मिलेगा, किसी प्लांट में, अभी पहले जो हमने पढ़ा था अल्कलॉइड्स में, किसी प्लांट में फ्रूट से मिलेगा, किसी प्लांट में हेयर से मिल रहा है, किसी प्लांट में उसके छाल, उसके छिलके से मिल रहा है फ्रूट के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आइसोलेशन, आओ इसको अलग कर लें। अब आइसोलेशन करना इसको बड़ा आसान काम है। इसको टर्पीनॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ वोलेटाइल ऑयल्स, ऑयल की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है, एक मिक्सचर रहता है ये। दीज टर्पीनॉइड्स आर प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने बताया, या तो ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्पीन्स बोल देते हैं, या ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम लोग टर्पीनॉइड बोल देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वाले को टर्पीन्स बोल दिया जाता है,
ऑक्सीजन अगर मौजूद रहेगा तो टर्पिनॉइड बोल दिया जाता है। तो ओवरऑल इसको भी, हाइड्रोकार्बन वाले को भी हम लोग टर्पिनॉइड के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। तो इसीलिए इंटरचेंजेबली कभी टर्पीन्स बोल दिया जाता है, कभी टर्पिनॉइड बोल दिया जाता है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? ओके, तो दो तरीके हैं इसको सेपरेट करने के लिए, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड में क्या रहेगा, फिजिकल मतलब समझते हो ना, जैसे कि हम लोग क्या कर लेंगे, सुखा देंगे और पानी उड़ा देंगे, ये फिजिकल मेथड होता है। केमिकल होता है केमिकल वेमिकल डाल डूल के अलग करना। इन फिजिकल मेथड डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मेथड, कई सारे क्रोमेटोग्राफिक मेथड आ जाते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है ना, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, इसमें से इस तरीके से मतलब इसके अंदर यहाँ पे ऐसे ऑयल डाल दिया जाता है और नीचे से फिर क्या हीट किया जाता है, ये उड़ता चला जाता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा थोड़ा सा और ऊपर, फिर जो कुछ मतलब कि ऐसा होता है। देखो इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है ना, जैसे कि ये समझाता हूँ थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे कि अपना पेट्रोल के केस में होता है, क्या होता है पेट्रोल के केस में, तो होता क्या है, ऐसा होता है जैसे कि इस तरह चैम्बर बने रहते हैं, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ा, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या रहेगा, जैसे कि ऑयल या पेट्रोल रहेगा, ये ऑयल मान लेते हैं, ये क्या होगा, यहां पर हीट होगा, ये यहाँ पे इसको हीट मिल रहा है, यहाँ पे सपोज इसको हीट मिल रहा है कितना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एक हीट कर दिया हमने 1000 डिग्री पर, 1000 डिग्री खैर उसका केस होता दूसरा वाला, मान लेते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने 100 डिग्री पे से क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना मिल रहा है 90 डिग्री, ठीक है, और ऊपर गए तो यहाँ टेम्परेचर कितना मिल रहा है, सपोज यहाँ मिल रहा है 80 डिग्री। तो अब जरा गौर से देखो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री होगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर वो हो जाएंगे क्या, लिक्विड में बदल जाते होंगे, लेकिन यहां टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर ए बी और सी, बात को समझते जाना, ए जो है वो 80 डिग्री पर बॉयल हो जाता है या 80 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगा, यानी कि अगर मेरे भाप है, पानी है, जैसे 100 के नीचे आएगा टेम्परेचर वो तुरंत क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, 100 के ऊपर ले जाएंगे तो भाप बन जाएगा, ठीक है, एक का 90 है एक का 70 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चैम्बर और है। अब ऐसे ऑयल, मान लो तीन तरह की कैटेगरी है यहाँ पे ऑयल की, ए बी और सी, ऐसा ऑयल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री है बट यहाँ टेम्परेचर कितना है 90, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो ये लिक्विड नहीं बनेगा, उड़ता हुआ ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और यहाँ पर जो 70 डिग्री है ना, यहाँ पर क्या होगा 70 या 60 डिग्री होगा, तो ये यहाँ पर आकर के लिक्विड बन जाएगा, जैसे यानी कि टेम्परेचर क्या मिल गया, ठंडा हो गया, तो 70 डिग्री पे भाप बनता था ये, लेकिन 60 मिला यहाँ से निकल आएगा बाहर। अब 80 डिग्री वाला भी यहाँ पर नहीं टिकेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री, तो उड़ता हुआ ऊपर जाएगा, जैसे 80 डिग्री यहाँ पर आएगा यहाँ ठंडा हो जाएगा बाहर निकल आएगा, तो बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है, सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि मेल्ट करना, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या इसको ये कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको मेल्टिंग पॉइंट ना बोलते हुए हम इसको बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट से जब जैसे नीचे आएगा टेम्परेचर, वैसे क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाता है, कंडेंस मतलब वो बूंदें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, मेल्ट सॉलिड के लिए होता है, यहाँ पे लिक्विड है हमारे पास, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो 60 डिग्री वाला 70 डिग्री वाले को यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है 80 डिग्री मिल रहा है, तो उड़ता ही चला जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ ठंडा होगा तो यहाँ लिक्विड बनकर निकलेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हर एक अपने टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग जगह पे होते हैं, हम इसको यहाँ पे अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं, तो सारे पार्ट अलग अलग तरीके से क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो क्रोमेटोग्राफी कई तरीके से होती है, ठीक है, जैसे कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? तो ये फिजिकल मेथड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड पे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या हो रहा है, मोनोटर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन गेट इनिशियली डिस्टिल्ड फॉलोड बाय ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। कह रहा है तो सबसे पहले जो डिस्टिलेशन होगा उसमें सबसे पहले कौन निकलेंगे,
मोनोटर्पिनॉइड और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड, जिनके अंदर ऑक्सीजन होगा वो लोग निकलेंगे। डिस्टिलेशन ऑफ रेसिड्यू अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को अगर कम कर दिया जाए तो फिर हमारे क्या निकल आएंगे बाहर, फेस्क्यू टर्पिनॉइड निकल आएंगे। अगर टर्पिनॉइड कोई सेंसिटिव है हीट वगैरह से जल्दी क्या हो जाएगा, टूट सकता है, खराब हो सकता है। तो कह रहा है सेंसिटिव टर्पिनॉइड्स आर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करेगी किसी से, ठीक है ना, बिकॉज दोज आर हीट सेंसिटिव और रिएक्टिव टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं वो क्या हीट सेंसिटिव है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं इनर्ट गैस की मौजूदगी में। इनर्ट गैस अपनी कौन कौन सी है, आर्गन है, जिनॉन है, हीलियम है, ये सब अपनी क्या है इनर्ट गैसेस हैं, इनकी मौजूदगी में हम लोग क्या कराते हैं इसे डिस्टिलेट कराते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ब्रीफ आउटलाइनिंग की बातें हो रही है यहां पर, ठीक है। तो केमिकल मेथड की बात कर ले हम लोग अगर, तो केमिकल मेथड में तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, तीन तरीके हमारे पास, सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड, हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन है कोई ऑक्सीजन आइटम नहीं है उसके अंदर तो सिंपल क्या करेंगे टिल्डन रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूशन। टिल्डन रिएजेंट होता क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। द टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद टिल्डन रिएजेंट फॉर्म क्रिस्टलाइन एडक्ट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, जो क्रिस्टल बन जाते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम वोलेटाइल ऑयल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और डिकम्पोज टू गेट बैक द टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों तुम लोगों को बात समझ में दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे हम स्टेप कर लेते हैं इसके, ठीक है। हमने क्या लिया, जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है वो ले लिया हमने, क्या ले लिया, इसको ऐसे लिख लेंगे आप लोग, एक्सट्रैक्ट, इसको हमने किससे ट्रीट कराया, NaCl इन CHCl3 क्लोरोफॉर्म, NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या मिल जाएगा हमको क्रिस्टलाइन एडक्ट, क्या मिला हमको, तो क्रिस्टलाइन एडक्ट। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, देखो करने का तरीका है, अगर तुम ऐसा भी लिख के आओगे ना नंबर पूरे मिलेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं लकीर का फकीर नहीं बनना। हमने अगर ऐसे लिख दिया है तुम इसको ऐसे कर लो और ये इस तरीके से याद अच्छे से रह जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, या कई बार होता है मैं ऐसे लिख भी देता हूं, कई बार ऐसे लिख देता हूं, डिपेंड करता है किस मूड में हम लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन एडक्ट मिल गया। अब ये जो क्रिस्टलाइन यानी कि एक पत्थर जैसी चीजें मिल गई हमें, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस और डिकम्पोज, इसको हम लोग हीट कर देंगे, सिंपली तोड़ना है इसको हमें। यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या मिल जाएंगे, टर्पिनॉइड्स वापस से मिल जाएंगे। सिंपल तीन स्टेप की कहानी है, बात समझ में आ रही है। हाइड्रोकार्बन के लिए ये कहानी, किसका इस्तेमाल हुआ, नाइट्रोसिल क्लोराइड इन क्लोरोफॉर्म यानी कि टिल्डन रिएजेंट का इस्तेमाल हो गया। आगे आ जाए अगर हम लोग, टर्पिनॉइड अल्कोहल, जिनके अंदर अल्कोहल पाया जाता है, ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड्स फॉर्म डाई ईस्टर विच प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम वोलेटाइल ऑयल। जो ऑयल्स होंगे ना उसके अंदर जैसे हम थैलिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एक तरह से हम लोग पाउडर फॉर्म में बाहर आ जाएगा। दिस डाई ईस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ KOH यील्ड बैक टर्पीन अल्कोहल एंड थैलिक एसिड। किससे इसको ट्रीट करा दें हम लोग, इससे और इसकी मौजूदगी में, तो वापस से ये अलग मिल जाएगा टर्पीन अल्कोहल और थैलिक एसिड अलग मिल जाएगा हम लोगों को। बात समझ में आ रही है। जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं, जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं, ऐसे टर्पिनॉइड को क्या करेंगे हम लोग, टर्पिनॉइड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म क्रिस्टलाइन एडक्ट ऑन रिएक्शन विद NHSO3। यहां क्या था, NHCO3 कार्बोनेट था, ये सल्फाइट है, ठीक है ना। एंड फिनाइल हाइड्रोजन, यहां पर क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहां पे वही वाली कहानी लिख लोगे, यहां पर एल्डिहाइड अब्लिक कीटोन वाले को किससे ट्रीट कराया तुम लोगों ने, NHSO3 प्लस फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर, एडक्ट मिल जाएगा। तो याद करने का तरीका है, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। इसको हम वापस से हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कार्बोनिल कंपाउंड वापस से मिल जाएंगे, बैक आ जाएंगे हमारे पास। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों पार्ट ऐसा हो जाता है, ये जो पार्ट ऐसा होता है कि रिएक्शंस वाले पार्ट थोड़े से देखो रटने वाले तो होते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। क्यों, ये पार्ट लर्न ना करने पर अगर सामने ये एक्सपेरिमेंट हो जाए लाइव तो फिर दिमाग में छप जाता है, ठीक है ना। हाँ कोशिश कर सकते हो, मैं एक बार जरूर बोलूंगा, जो ये रिएक्शन यहाँ लिखी है, क्योंकि रिएक्शंस को पूरा
यहां पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शंस अगर तुम्हें कहां मिल जाए, हमेशा बोलता हूं मैं यूट्यूब पे, मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे बहुत से चैनल ऐसे हैं जो इन रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो बकायदा एक बार देख लो कैसे मिला रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो जो चीज है ना दिमाग में छप जाती है। कैसे, मूवी देखते हो 3 घंटे की और महीनों तक याद रहती है ना, ये बात सबको पता होगी। बच्चे कहते हैं सर ये क्या बता रहे हो, ये मैं ये बता रहा हूँ, किसी चीज को सुनो भी और देखो भी तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहती है। बात समझ में आ रही है? तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो केवल आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सुन रहे हो, ये रिएक्शन को देख नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। अगर दिख भी जाए यहाँ पर किसी तरीके से, अगर ऐसा कर पाऊँ मैं, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ छप जाए दिमाग में। तो जिनको लगता है कि यार याद नहीं हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर याद नहीं हो रही है, तो उसको जाओ यूट्यूब पे जाओ, कोई ना कोई चैनल ऐसा जरूर होगा, रिसर्च लेवल पे बातें हो रही होती है, तो रिएक्शन करके दिखा रहे होते हैं और वो तुम्हें दिख जाएगी। बात समझ में आ रही है? हेल्प कहीं से भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां से मिले हेल्प हमें अपने नंबर से मतलब है, नंबर अच्छे आने चाहिए, चाहे जहां मर्जी से पढ़ के आए। क्लियर है बातें? ओके, आगे आते हैं। सेपरेशन ऑफ ट्रैप, ये हो गया हमारे पास। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एक है नॉलर टेस्ट, एक है सोलकोस्की टेस्ट। द टेस्ट सॉल्यूशन वाज वार्म्ड, इसको गर्म करेंगे विद अ पीस ऑफ टिन और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सैंपल प्लस टिन प्लस SOCl2, है ना, थायोनिल क्लोराइड। तो कितना आसान हो गया, क्या जाएगा, वॉयलेट और पर्पल कलर, वॉयलेट एंड पर्पल कलर। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, लकीर का फकीर नहीं बनना, ऐसे याद कर लो अगर याद ऐसा कर सकते हो तो, जितनी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अच्छी बात है। अब तुम्हें यहां पर डबल फायदा मिलेगा, एक लाइन में तुमने ये लिख दिया, अगली लाइन में तुम्हें अगर तुमने ऐसे याद कर लिया है, एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, तो तुम लिखो फिर ये लिखने के बाद अगली लाइन में लिखो, व्हेन वी ट्रीट अ सैंपल विद टिन एंड थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, अ वायलेट और ब्लैक कलर अपीयर, दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टर्पिनॉइड। खत्म कहानी, सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग है, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लर्न करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्ट आया उसको क्लोरोफॉर्म में डालेंगे, देन 3 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भूल जाओ तो कोई बात नहीं, याद रखो क्या सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, ठीक है, ध्यान से डालेंगे और उसे फिर एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे। रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टर्पिनॉइड, जो रेडिश ब्राउन कलर आएगा वो क्या इंडिकेट करेगा, टर्पिनॉइड को इंडिकेट करेगा। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? लकीर का फकीर मत बन जाना, ठीक है, ओके। यहां पे क्या कर सकते हो, अगेन वही काम कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट लिखो प्लस एक्सट्रैक्ट इन, ओके, तो क्या लिख देंगे इसमें, एक्सट्रैक्शन इन CH Cl3, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं H2SO4 को। क्लियर है? हो गया। फिर क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा, सिंपल। सर सिंपल तो है, याद कौन करेगा याद तो बच्चे तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, कोई और याद करने नहीं आएगा। आगे आते हैं, लो थेरेपेटिक एक्टिविटी, मैंने कहा ना 15-20 बीमारियां याद कर लो देखो आ गया, एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंटीबैक्टीरियल स्किन प्रोटेक्शन, एंटी पैरासिटिक, ठीक है, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आता है, ये तो हो गया थेरेपेटिक एक्टिविटी का, एक टॉपिक आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन का, जो इससे पहला लेक्चर था अल्कोलाइड वाला, उसमें मैंने दोनों को मर्ज कर दिया था, चलेगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट फार्मास्यूटिकल थोड़ा सा क्या है उसमें मिस हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। फार्मास्यूटिकल में केवल थेरेपेटिक चीजें नहीं आती है ना, क्या क्या चीजें आती है समझना हर बात को, तो ये कॉमन याद रख लो तुम। फार्मास्यूटिकल में एरोमेटिक क्वालिटी है ना, कोई प्लांट की जो एरोमेटिक है ना, परफ्यूम वगैरह बन रहा है, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सोप, ठीक है, फूड बन रहा है, फार्मास्यूटिकल बेवरेजेस बन रहे हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल के अंदर ही आता है, ये सब किसके अंदर आता है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं आगे, ठीक है, थेरेपेटिकली दे एक्सर्ट वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज सच एज एंटीसेप्टिक, डायुरेटिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, एनाल्जेसिक है ना, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, ये पेन किलर है, ठीक है तो अब ये कार्मिनेटिव ये सब समझते हो गए, ये सारे टर्म है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? एंटी हेलमिंथिक है,
एंटी रूमेटिक है और काउंटर इरिटेंट है। ये वाला पार्ट यही पार्ट है, ये वाला पार्ट यही पार्ट है जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन फार्मास्यूटिकल मैंने कहा ना बड़ा टर्म है, हमें दवाइयां सिर्फ इंसानों को बरनी, कई सारी चीजों में दवाइयां, कुत्ते से लेके जानवर से लेके हर एक चीज। आल्सो यूजेस इंसेक्ट रिपेलेंट, देखो कीड़ों मकड़ों को दूर भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिओडेंट, ये सब भी फार्मास्यूटिकल के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। आगे आते हैं स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स इन एनिमल्स आर बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टर्पिनॉइड, यानी कि जानवरों की जो दवाइयां कह सकते हैं हम लोग। सम टाइम टर्पिनॉइड्स आर एडेड टू प्रोटीन, कई बार प्रोटीन्स में ऐड किया जाता है टू इनहेंस देयर अटैचमेंट टू द सेल मेम्ब्रेन, ताकि उनको सेल मेम्ब्रेन से उनका अटैचमेंट बढ़ जाए। दिस इज नोन एज आइसोप्रीनाइलेशन। जितना भी केमिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, और केमिकल वर्क हो रहा है और कहीं ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमारा फायदा हो रहा है, ठीक है, वो सब फार्मास्यूटिकल के अंदर आ जाएगा। दे प्ले अ रोल इन ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो चला जाता है आयुर्वेदा वगैरह टाइप का, अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एंटी बैक्टीरियल, एंटी न्यूप्लास्टिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। तो देखो इसमें ये जनरल टर्म्स है, अब यहाँ पे तुम्हें केवल क्या करना है, ये बेसिक बेसिक लाइनें याद कर लेनी है। टर्पिनॉइड को हटा दो, यहाँ केवल क्या लिख दोगे, दे, चाहे अल्कोलॉइड होगा, चाहे ग्लाइकोसाइड होगा, चाहे टेरिन्स होगा, ठीक है ना। जनरल सब में सेम ही रहने वाला है, कुछ दो चार चीजें अलग होंगी वो मैं बताता चलूंगा मैं, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, थेरोबेटिक हो गया, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हो गया, तो ये सब आ गया डिटेल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के अंदर इसकी कहानी। फार्मास्यूटिकल का ही छोटा सा हिस्सा क्या है, थेरोपेटिक है। तो बात समझ में आई, तो ये मैंने बात इसलिए बता दी क्योंकि लास्ट थोड़ा सा अल्कोलॉइड में दोनों मैंने मर्ज कर दिया था, तो इस बार दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है, फार्मास्यूटिकल और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं और ये लेक्चर भी हमारा खत्म हो जाता है। तो क्या करोगे बच्चों, लर्न करना है, याद करना है, ठीक है ना, याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो लगे रहो, जुटे रहो, है ना, एकदम से, और रिवाइज करते रहो, भरोसा रखो अपने ऊपर, दैट्स इट। जो पढ़ रहे हो घबराओ बिल्कुल नहीं, जो पढ़ लिया है, मैं बोल रहा हूँ दिल से पढ़ लिया है, भले आज भूल गए हो, लेकिन जब एग्जाम टाइम पे अपने दिमाग में जोर डालोगे ना, तो वो चीज निकल के बाहर आएगी ही आएगी, क्लियर है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।